मूवी की शुरुआत एक लैब से होती है जिसमें बैठकर एक आदमी किताब लिख रहा होता है जिसका नाम ऑथर स्पाइडर विक होता है। वह एक साइंटिस्ट होता है। वह एक जादुई किताब लिख रहा होता है जिसमें दुनिया के कई अच्छे बुरे क्रिएचर उसको बुलाने के लिए जादुई मंत्र लिखे होते हैं। अचानक हलचल होती है और ऑथर स्पाइडर विक डर जाता है। फिर वह उस किताब को अपने घर के उसी लैब में छुपा देता है। फिर आगे 80 साल बाद दिखाया जाता है उसी घर में रहने एक फैमिली आती है जिसमें से एक माँ, एक बेटी और 2 लड़के रहते हैं। फिर एक दिन उसमें से एक लड़का जिसका नाम जरेड होता है वह उस लैब में पहुंच जाता है और उस किताब को ढूंढ लेता है। उस किताब की रक्षा एक छोटा क्रिएचर करता है जिसका नाम ब्राउनी होता है। वह उस किताब को उससे छुपा कर ले आता है। उस किताब में एक वार्निंग नोट होता है जिसमें लिखा होता है किताब को पढ़ा तो पछताओगे। फिर भी वह उस किताब को पढ़ लेता है जिससे सारी बुरी क्रिएचर शक्तियां उस किताब को पाने के लिए जागृत हो जाती हैं। फिर जरेड और उसके भाई बहन के पीछे पड़ जाती हैं। एक दिन गॉब्लिंस नाम के बुरे क्रिएचर्स जरेड के भाई सीमन को उठाकर ले जाते हैं। जरेड अपने भाई को बचाने के लिए क्रिएचर्स के पीछे जाता है जिसकी मदद हाइक्यूलस नाम का एक क्रिएचर करता है। वह अदृश्य क्रिएचर को देखने के लिए जरेड को सुपर पावर देता है। वह दोनों भाई वहां से बचकर निकल जाते हैं पर उनके पीछे क्रिएचर्स पड़ जाते हैं जिससे बचने के लिए भाई बहन मिलकर ऑथर स्पाइडर विक की बेटी लुसिंडा से मिलने शहर जाते हैं। वह क्रिएचर्स से बचते हुए लुसिंडा के पास पहुंच जाते हैं जो उन्हें बुरे क्रिएचरों से बचने के लिए ऑथर स्पाइडर विक को ढूंढने को बोलती है जिसका कहना था कि ऑथर स्पाइडर विक को फेरी उठाकर ले गई थी बुरे क्रिएचरों से सबको बचाए रखने के लिए। फिर जरेड घर पहुंचकर उसी किताब से एक मंत्र पढ़ता है जिससे एक ग्रिजिन नाम का एक क्रिएचर आता है जो जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं और हवा में भी उड़ सकता है। उसकी पीठ पर सभी भाई बहन बैठकर हवा में उड़ जाते हैं। उन्हें ग्रिजिन फेरी की दुनिया में ले जाता है जहां जरेड ऑथर स्पाइडर विक से मिलता है। वह ऑथर स्पाइडर विक से मदद मांगता है जिसे ऑथर स्पाइडर विक कहता है कि अब जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। जब वह घर लौटते हैं तो क्रिएचर्स उनके घर पर हमला कर देते हैं। वह बचने के लिए नमक और टमाटर सॉस का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्रिएचर्स मर जाते हैं पर मुगल रात क्रिएचर बच जाता है जो जरेड से जादुई किताब लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है जिससे जरेड हर्क्यूलस के तरफ जादुई किताब हवा में उछालकर फेंक देता है। हर्क्यूलस जरेड का फ्रेंड क्रिएचर होता है। मुगलराज जादुई किताब को पाने के लिए हर्क्यूलस की ओर कौवा बनकर उड़ता है। हर्क्यूलस उसे पकड़कर खा जाता है क्योंकि वह पक्षियों को ही पकड़कर खाया करता था। सारे बुरे क्रिएचर्स मर जाते हैं जिससे जादुई किताब बच जाती है और ऑथर स्पाइडर विक फेरिस की दुनिया से वापस आते हैं अपनी बेटी लुसिंडा से मिलने जो कि अब बूढ़ी हो चुकी। जब वह वापस फेरी की दुनिया में जाने लगते हैं तो उनकी बेटी लुसिंडा भी उनके साथ फेरी की दुनिया में चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।